मधुपुर नाम के एक गांव में एक लड़की का पालन पोषण उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता कालू ने ही किया था। उसके अलावा उसे और कोई नहीं जानता था कि कालू एक बहुत बड़ा डाकू है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो इस गांव में रह रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तो तब हुई जब कालू ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। माँ, आप कहाँ हो? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? आप मुझे बचा लो माँ। पिताजी अपनी पसंद के एक चोर के साथ मेरी शादी तय कर चुके हैं। मैं कैसे इस शादी को रोक पाऊंगी? आप ही उन्हें समझाइए, पिताजी तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। माँ। गौरी, गौरी, कहाँ हो बेटी? अच्छा, तुम यहाँ पर हो। मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पर हो। क्यों? ये देखो, तुम्हारी शादी के लिए कितने सारे गहने लेकर आया हूँ। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वो पहनना, ठीक है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है पिताजी, मुझे तो ये शादी करने का मन भी नहीं है। सुनो, तुम्हारी माँ मरने के बाद मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है, और आज जब मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है तो ये शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक चोर की पत्नी बनकर नहीं गुजार सकती पिताजी। चोर? अरे चोर है तो क्या हुआ, मैं भी तो डाकू हूँ। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं होगी, ये शादी जरूर होगी और उसी लड़के के साथ होगी। पिताजी, पिताजी सुनिए ना। पिताजी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। माँ, माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरी मेरी ऐसी हालत नहीं होती। माँ, माँ। ओह, मेरी बेटी तो रोते रोते ही सो गई, और इसका बाप जब मैं जिंदा थी तो मुझे परेशान करता था, और अब मेरी बच्ची को परेशान करता है। अब मैं क्या करूं? मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से ही मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही। उनके गांव के पास में ही रामपुर नाम का एक गांव था। वहां लल्लन नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मेहनती लल्लन अनाथ था। खेतीबाड़ी करके किसी तरह उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन फिर भी वो हर वक्त खुशी रहा करता था। वो पूरे गांव वालों की मदद किया करता था, कभी किसी की छत तैयार कर देता तो कभी किसी की गाय के गोबर उठा दिया करता, इससे उसे खुशी मिलती थी। अरे गोपाल चाचा, ओ गोपाल चाचा, इतनी भारी बोरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? बोलिए। और कहाँ जाऊंगा बेटा, ये पेट ही है जो सब करवाता है, इसीलिए बाजार जा रहा हूँ ये सब्जी की बोरी लेकर। इन्हें बेचकर दो पैसे मिल जाएंगे। अरे आपकी उम्र थोड़ी है इतनी भारी बोरी उठाने की। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें बाजार तक पहुँचा देता हूँ। तुम्हारे काम में देरी हो जाएगी लल्लन। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, इंसान की मदद करना भी तो काम ही होता है ना। लाइए, दीजिए, दीजिए मुझे। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। वाह, कितना प्यारा बच्चा है और किसी की मदद करता है। ओ ऊपर वाले, कितना अच्छा लड़का है। लल्लन का जीवन इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन खेत से वापस आते समय रास्ते में ममता नाम की एक महिला के घर के सामने गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। क्या हो गया? लगता है ये बुढ़िया बचेगी नहीं, बहुत खराब हालत है इसकी। वैजी इन्हें देखकर जवाब दे चुके हैं, अगर शहर से डॉक्टर आएंगे तो ही कोई उम्मीद बची है, लेकिन इतनी रात को शहर जाएगा कौन? क्यों, मैं जाऊंगा शहर। वो तो बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत भयानक रास्ता है, कैसे जाओगे? फिर क्या दादी इलाज के बिना मर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, मैं अभी शहर के लिए रवाना होता हूँ। क्या तुम्हें भूत से डर नहीं लगता ललन? उस जंगल में एक भूतनी रहती है, पता है तुम्हें? पहले मैं इन्हें बचाऊंगा, भूत प्रेत के बारे में बाद में देखा जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ललन, भूत और ऊपर वाला दोनों ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इतनी रात में यहाँ कौन रो रहा है? जरूर कोई किसी मुसीबत में फंस गया है, बिना जाने तो पता नहीं चलेगा कि आखिर बात क्या है। मैं जाकर देखता हूँ। हे ऊपर वाले, ये मेरी कैसी हालत हो गई है, मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी? मुझे मेरी बेटी की चिंता है, तभी मैं इस संसार की मोह माया को त्याग नहीं पा रही हूँ। अरे आप कौन हो, और इस भूतिया जंगल में इतनी रात गए आप अकेले क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे? क्या आप जानती नहीं कि रात के समय इस जंगल में भूत और डाकू आते हैं, आप कर क्या रहे हैं? ये लड़का तो
बिना मांगे ही मदद करना चाहता है। मैं इस जंगल की भूतनी हूँ। इस जंगल में सभी मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। मेरा नाम ललन है। ललन, हमारे गांव की ममता दादी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए, उन्हें ठीक करना है। ममता दादी की तबीयत अगर खराब है तो तुम अगर पैदल शहर जाकर भी डॉक्टर ले आओगे तो वो बचेंगी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे और मुझसे एक वादा करोगे तो मैं ममता दादी को बचाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। करूँगा करूँगा, आप जो बोलोगी वो मैं करूँगा। आप बस ममता दादी को बचा लीजिए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है तो चलो मेरे साथ। वो भूतनी माँ ललन को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ते हुए शहर ले जाती है। शहर के डॉक्टर के इलाज के बाद ममता दादी ठीक हो जाती है। सभी ललन की प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन ललन भूतनी माँ से किया हुआ वादा भूलता नहीं है। दादी के ठीक होने के बाद वो वापस जंगल जाता है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान। अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वाह, तुम तो अपने वादे के पक्के इंसान हो। सुनो, थाने के दरोगा को एक सूचना देनी है। इस महीने की 22 तारीख को मधुपुर गांव में कालू मंडल की बेटी की शादी है। उसके पिता कालू एक डाकू है और उसने एक चोर को अपना दामाद बनाने का फैसला किया है। उस दिन अगर दरोगा साहब पुलिस लेकर आएंगे तो वो एक साथ कई सारे चोर डाकुओं को पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये काम है, मैं आज ही सूचना दे देता हूँ। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अब तो बारात आने का समय हो चुका है, देरी होने पर शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। निकलने दीजिए शुभ मुहूर्त। मैं किसी भी कीमत पर उस चोर को अपना पति नहीं मान सकती हूँ। ये शादी आप तोड़ दीजिए पिताजी, तोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ। चुप रहो, बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ठीक है तो फिर मैं भी ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे कोई है यहाँ पे? कोई है? जल्दी आओ, इसे पकड़ कर शादी के मंडप में ले जाओ। चुप रहो, छोड़ो मुझे पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे। कालू के नौकर शंभू रंभू उसके हाथ रस्सी से बांधकर उसे शादी के मंडप पर ले आते हैं। थोड़ी ही देर में दूल्हा और बाराती सभी आ जाते हैं। विधि शुरू की जाती है और वरमाला के समय शादी के बीच ही दरोगा की गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। ए रुक जाओ, ये शादी अभी तुरंत बंद करो। क्या हुआ दरोगा साहब, अब मेरी बेटी की शादी क्यों रोक दिए? क्या किया है उसने? उसने कुछ नहीं किया है, जो किया है उसके पिता ने किया है। मैंने क्या किया है दरोगा साहब? कालू डाकू, बहुत दिनों से भेष बदल कर तुम यहाँ छुपे हुए हो, रात के समय डकैती करते हो और तुम्हें लगा कि किसी को समझ नहीं आएगा, है ना? हवलदार पकड़ो इसे, पकड़ो। मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मेरी बेटी की शादी तो हो जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसका होने वाला पति कितना ज्यादा गुनी है इसकी जानकारी भी मुझे है, चोर है वो भी। अब चुपचाप थाने चलो, चलो थाने, वहाँ सबको सबक सिखाता हूँ। चलो चलो वहाँ, वहाँ देखता हूँ कितने धान में कितने चावल है। चल। आप रोइए मत, आपको बचाने के लिए तो इतना सब कुछ हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता को भी पकड़ कर लेकर चले गए। आप चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी के छूटने तक मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ। आप कौन हैं? देखो मैं ललन हूँ, आपकी माँ ने ही आपको बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा, वो रही देखो। मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ? अरे ललन, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता है, अगर तुम मेरी एक और बात मान लोगे तो मेरी बेटी एक बार मुझे देख सकती है। मेरी बात मानोगे बेटा? ऐसा मत बोलिए, मेरा भी कोई नहीं है, आप भी तो मेरी माँ जैसी ही है। ठीक है, अब जब तुमने मुझे माँ बोल ही दिया है तो तुम्हें माँ की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अरे तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है वो बहुत खास है। हाँ गौरी, मुझे भी पसंद है, बहुत पसंद है।
लेकिन मेरे पास तो घर भी नहीं और पैसा भी नहीं है। तुम सबकी मदद करते हो बेटा, ये उन सब चीजों से ज्यादा मूल्यवान है। मेरी बात को इनकार मत करो, तुम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बहुत खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, खुश रहो बेटा। अगर माँ होकर बोल रहे हो तो ठीक है। उसके बाद शादी के लिए वो भूतनी माँ अपनी बेटी के सामने आती है, अपने सामने लल्लन और गोरी की शादी करवाती है। उसके बाद उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।